हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई विश गुप्ता में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का हिंदी कोर आरोह गद भाग का चैप्टर भक्तिन, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा, से रिलेटेड बहुत ही बड़ा MCU क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आप लोग को टर्म वन की परीक्षा में आग लगा देने वाला MCU क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग का टर्म वन की परीक्षा नवंबर दिसंबर महीना में होने वाली है दोस्तों, इसीलिए आप टर्म वन की तैयारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भक्तिन महादेवी वर्मा से रिलेटेड भक्तिन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट MCU क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को टर्म वन में आग लगा दूंगा दोस्तों। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन जानते हैं और इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप जानते होंगे तो उस आंसर का जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग MCU क्वेश्चन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्तिन का परिवार द्वारा रखा गया नाम क्या था, अर्थात भक्तिन का परिवार द्वारा क्या नाम रखा गया था, दुर्गा, लक्ष्मी, रूपा या पार्वती। जिसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, लक्ष्मी। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है, भक्तिन किससे सेवा धर्म में स्पर्धा करने वाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, हनुमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पति के देहांत के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी, 29, 22, 28 या फिर 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर चार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है, कपाल संकुचित रेखाओं का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग्य द्वारा मस्तक पर सिकड़ी रेखाएं खींचना, इस तरह से इसका आंसर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विवाह के समय भक्तिन की उम्र क्या थी, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन को किससे डर लगता था, शेर से, लेखिका से, कारागार से कि संसार से, कारागार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन किस कद काठी थी, दुबली थी, मोटी थी, लंबी थी, छोटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन क्या नहीं कर सकती थी, भक्तिन क्या नहीं कर सकती थी, महादेवी शर्मा, मीराबाई, एकनाथ, सत्यवादी हरिचंद्र। सत्यवादी हरिचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कर रहा है, किस उम्र में भक्तिन का गुना हुआ था, अर्थात गुना किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, भक्तिन का यह नाम किसने रखा था, पिता ने, सौतेली माँ ने, महादेवी वर्मा ने कि लोगों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भक्तिन की कितनी पुत्रियाँ थी, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन स्मरणात्मक कहाँ से लिया गया। तो यह स्मातक स्मृति की रेखाओं से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के पति की आयु मृत्यु के समय कितनी थी, 30, 32, 34 या 36 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिन का नामकरण क्या देखकर लेखिका ने रखा था, उसका स्वभाव या उसकी गठी माला देखकर कि पूजा पाठ के। इसका राइट आंसर उसकी गठी माला देखकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, भक्तिन का प्रभाव पड़ने से लेखिका कैसी हो गई, अनपढ़, आलसी, देहाती या डरपोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
लेखिका जब भक्तिन को पुकारती थी तब वह किस तरह उत्तर देती थी? जी आया, हाँ जी कि हाँ मालकिन, आया बोलती थी। इसका राइट आंसर दो हो जाएगा। इसके बाद अगला है, भक्तिन के वोट कैसे थी? पतली, बहुत मोटे, फटे 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 कटे फटे कि लटके हुए, पतले थे। इसके अगला बात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेखिका की हिरनी हिरनी का क्या नाम था? हुनी, सुंदर, सोना, बसंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, करा भक्तिन को कारावास कैसा प्रतीत होता था? इंद्रलोक की तरह, यमलोक की तरह कि अपने घर की तरह, अपने ससुराल की तरह? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमलोक की तरह। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, करा भक्तिन की कहानी कैसी कहानी है? सुखद, अधूरी, पूरी, सुखद, दुखद? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुखद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपने परिवार में लेखिका किस कारण से प्रख्यात थी? दया भावना के कारण से, पाक कला में निपुण होने के कारण से, पशु पक्षी पालने के कारण से, गायन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु पक्षी पालने के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन की घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? जब वह शहर आई थी तो मोटी मैली धोती से कि फटी चादर से, फटी चुनरी से कि साड़ी के पल्लू से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटी मैली धोती से। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, लेखिका ने शहर और देहात के जीवन जीवन के अंतर पर विचार क्या पर विचार क्या पढ़ाते समय किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ज्ञान सूत्र का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सिकुड़ कर महादेवी वर्मा के तकिए पर सोया करता था? गोरा, बसंत, गोधूली की सोना? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विचित्र समझदारी की झलक भक्तिन के किस अंग में विद्वान थी? उसकी ओटों के कोनों में, उसके विश्वास भरे ओटों में कि उसकी ऊंची आवाज़ में कि उसकी छोटी आँखों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी छोटी आँखों में। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है, तीर्थ गए मुंडारे सिद्ध, यह पंथी किसके लिए की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों का क्या करना महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था? उनका सिर घुटना, उसका नृत्य करना, उसका संगीत सीखना कि उसका फैशन? तो उनका सिर घुटाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूसी, हांसी की झरिया? तो राइट आंसर हो जाएगा झूसी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पति का दादा कौन सा सुसर कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पति ने। अगला क्वेश्चन है, एक विधवा के साथ हमारे समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है? सम्मान पूर्वक, असम्मान पूर्वक, स्नेहपूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, असम्मान पूर्वक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के साथ सास और जेठानियों कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरता पूर्वक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का ससुराल किस गांव में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हडिया में था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, भक्तिन को पूर्ण विवाह करने के लिए ससुराल वाले क्यों कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी संपत्ति हड़पने के लिए। इनका राइट आंसर हो जाएगा उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर तथा अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।